Hello everyone, welcome back. So in today's video, I'm going to discuss about one thing that the student should avoid when planning to come to Canada for further studies, and when is the best time for them to come to Canada, after their plus two or their graduation. Honestly, I don't have a personal experience in this topic because I came on a work permit and got my PR and everything. But I have a close friend who came to Canada for further studies after his graduation, and a couple of cousins from a Nanka side who came after their plus two. So I talked to them, took their feedbacks and their experiences and difficulties or the struggle they faced in Canada. So I thought it's a good topic to make a video on, to discuss and to give you the overview. So let's get started. सो फर्स्टली जो भी स्टूडेंट बाहर स्टडी करने आता है, हम सबका एक ही गोल होता है, टू गेट आर परमानेंट रेजिडेंसी एंड टू सेटल डाउन. फिर चाहे वो आप कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड. बट इन सब में हम जो एक चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं इज़ आर करियर गोल. दिस इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज इंडिया में पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस रहता है ऑन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन कि वो क्या कोर्स ले रहे हैं, जिसका आगे जाके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है. बट जब बात आती है फॉर स्टडी अब्रॉड, तब वो ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं एंड दे गो फॉर एनी एक्स वाई जी कोर्स जो उन्हें एजेंट सजेस्ट करता है. बट दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू एवरी पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम अब्रॉड फॉर देयर फर्दर स्टडीज़. डू नॉट लेट एजेंट डिसाइड वट कोर्स यू शुड गो फॉर. आप ये चीज़ समझें, हर एजेंट का कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है फॉर देयर कमीशन एंड ऑल, तो वो आपको हमेशा फोर्स करते हैं टू चूज देयर प्रेफर्ड कोर्सेज बिकॉज उनका कमीशन उनके साथ सेटअप होता है. बट यू शुड गो फॉर दैट कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो. आई गिव एन एग्जाम्पल, लाइक ये मेरे खुद के कज़न के साथ ही हुआ था. मेरे कज़न ने इंडिया में कॉमर्स की थी इन प्लस टू, सो देन ही डिसाइडेड कि उसे कनाडा में स्टडी परस्यू करनी है. सो जब वो एजेंट के पास गया तो एजेंट ने उसे बताया दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट्स उसके चांसेस कम है टू गेट द ऑफर लेटर इन द अकाउंटिंग कोर्स. सो आईटी कोर्स में ही हैड मोर चांसेस. सो उसने कहीं और ट्राई किया नहीं एंड ही ऑप्टेड फॉर द आईटी कोर्स. बट जब वो यहाँ पे आया इन कनाडा, तो उसके लिए बहुत ही हार्ड हो रहा था टू लर्न दोज लैंग्वेजेस बिकॉज टिल प्लस टू हमारा आईटी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता एंड यहाँ पे लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेरी टफ कोर्स टू डू. कैसे भी करके उसने अपना एक साल कंप्लीट किया, बट देन ही थॉट कि अगर आगे जाके उसकी कहीं सप्ली ना आ जाए या उसका पूरा करियर ना वेस्ट हो जाए, सो ही थॉट ऑफ चेंजिंग हिज कोर्स टू द अकाउंटिंग फील्ड. प्लस उसका वो इंटरेस्ट लेवल भी था उसमें. बट इन सब में ही इज़ नॉट ओनली वेस्टेड हिज टाइम फॉर लाइक अ वन ईयर बट ऑल्सो $15,000 जो कि उसकी फर्स्ट ईयर की आई टी की फीस थी. सो डू नॉट टेक एक्स वाई जी कोर्सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग टू कैनेडा. आप ये चीज़ समझे, इवेंचुअली जब आप यहाँ पे आ रहे हैं यू विल ऑल गेट द पी आर एंड सेटल नाउ. सो थिंक वाइजली विद योर कोर्सेज एंड योर करियर ऑप्शंस. एंड अगर आपको एजेंट मना कर रहा है अबाउट कि आपको वो कोर्स नहीं मिल सकता और आपके चांसेस नहीं है टू गेट योर ऑफर लेटर, ट्राई विद डिफरेंट एजेंट्स और ट्राई विद डिफरेंट कॉलेजेस बिकॉज कैनेडा में देर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस. सो अगर आपको किसी एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, दैट डजेंट मीन आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. इट जस्ट एजेंट का उन स्पेसिफिक कॉलेजेस का टाइप होता है एंड दे डोंट वांट टू चेक ऑन अदर डिफरेंट कॉलेजेस. सो बट आप स्मार्ट प्ले करें एंड यू गो विद द डिफरेंट, ट्राई विद द टू थ्री डिफरेंट एजेंट्स एंड लुक फॉर द बेटर ऑप्शंस फॉर योर करियर ग्रोथ. अब बात करते हैं व्हेन इज द बेस्ट टाइम. सो अकॉर्डिंग टू मी बोथ टाइम्स आर एप्रोप्रिएट इन देयर ओन टर्म्स. लाइक अगर आप इंडिया में ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपका बेस ऑलरेडी सेट है कि आपको अकाउंटिंग फील्ड में आगे स्टडी करनी है, आईटी फील्ड में या फिर होटल मैनेजमेंट और जो भी आपका कोर्स है. प्लस उसका सीधा बेनिफिट आपको आपके पीआर प्रोसेस पे भी मिलता है बिकॉज आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग फर्दर स्टडीज़ उसी के रिलेटेड आप करते हैं. ऑन द अदर हैंड जब आप प्लस टू के बाद आते हैं तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं टू गेट योर पीआर बिकॉज उस पर ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिलते टू क्वालिफाई फॉर द पीएनपी और द पीआर प्रोसेस. तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ता है. लाइक अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो आफ्टर वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कैनेडा आप सीधा अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं. बट इन द प्लस टू बेस आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है एंड उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर पाते हैं. सो इवेंचुअली दोनों ही केसेस में यू विल ऑल गेट द पीआर्स एंड सेटल डाउन इन कनाडा. इट्स जस्ट किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है. बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर कोर्सेज एंड योर करियर अपॉर्चुनिटीज. आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट इट इन द कॉमेंट्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. And do like the video and subscribe my channel for more amazing and informative videos. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you.